क्या हमारे देश की मोदी सरकार, क्या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश नीति में फेल हो गए हैं। एक फैसला लिया गया है दोस्तों कि कनाडा के नागरिकों का जो वीज़ा है वो बंद कर दिया गया है। यानी एक तरह से ये कहा जा सकता है कि कनाडा के नागरिकों की भारत में एंट्री को बंद कर दिया गया है। अब कनाडा के नागरिकों के वीज़ा पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है, तो सरकार का क्या कहना है ज़रा वो भी सुन लीजिए, उसके बाद आगे धीरे धीरे करके पूरा मामला मैं आपको बताने वाली हूँ। सरकार का कहना है कि ये फैसला देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट जो है कनाडा में वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कनाडा उसको बढ़ावा दे रहा है। सवाल ये उठता है कि जिन कनाडा के हिंदू नागरिकों को अब कनाडा छोड़ने की धमकियां दी जा रही है वहां रह रहे लोगों द्वारा, सरकार के इस फैसले का उन लोगों पर, भारतीय मूल के उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा? ये जो फैसला लिया गया है अचानक से, उसका असर कनाडा में रह रहे कितने भारतीय मूल के नागरिकों पर पड़ सकता है दोस्तों, क्या इसके बारे में कोई सोच विचार किया गया? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। ये सच है, बिल्कुल सच है कि कनाडा जो आरोप भारत पर लगा रहा है हम उसका घोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे, मगर जो फैसला लिया गया है उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, किस तरीके की खबरें सामने आ रही है, आंकड़े क्या सामने आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। लोगों को, यानी जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, उन्हें कनाडा छोड़ने की धमकी दे दी गई है। किसने दी है धमकी, जरा आपको बताऊंगी आगे, लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर कविता नाम की यूजर का एक ट्वीट दिखा रहे हैं, जिसने लिखा है कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं अपने पूरे जीवन कनाडा में रही हूँ, मैंने पहले कभी भी इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया, आज मैं ये कर रही हूँ, आज मैं ऐसे संकेत देख रही हूँ कनाडा में जो मुझे ये देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं। मैं देखती हूँ कि हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ कि हिंदुओं को धमकाया जा रहा है और इसे रोकने का कोई प्रयास मुझे नज़र नहीं आता। ये कविता का कहना है दोस्तों, जिनका कहना है, दावा है कि वो कनाडा में रह रही हैं। अब थोड़ा आंकड़ों पर गौर कीजिए कि सरकार के इस फैसले का असर कनाडा में रहने वाले लगभग 20 लाख भारतीय मूल के लोगों पर पड़ सकता है जो भारत नहीं आ पाएंगे इस फैसले के बाद। 2022 के आंकड़ों की बात करेंगे दोस्तों, तो कनाडा में कुल 3,19,000 से ज़्यादा लोग हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। इस बैन में बिजनेसमैन और पर्यटक सभी शामिल हैं। भारतीय मूल के नागरिकों की बात कर रही हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एक यूज़र का ट्वीट दिखा रही हूँ और उसके बेसिस पर ये कह रही हूँ। आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, ये खबर छापी है आज तक चैनल ने, जहाँ साफ सीधे तौर पर लिखा है कि सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने हिंदुओं से कनाडा छोड़ने के लिए कहा है। खालिस्तानियों ने कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी है। जी हाँ, कनाडा छोड़ने की धमकी दी है और ये कहा है कि भारतीय मूल के हिंदू कनाडा छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो अपने भारतीय मूल के हिंदू होने का जश्न मनाते हैं। इन लोगों ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर जश्न मनाकर हिंसा को बढ़ावा दिया है। ये बात किसने कही है आपको ये भी बता देती हूँ। सिख फॉर जस्टिस के लीगल काउंसिल हैं गुरपतवंत पन्नून। इन्होंने वीडियो जारी करके ये कहा है कि भारतीय मूल के हिंदुओं, तुम्हारा घर भारत है, कनाडा छोड़ो, भारत जाओ। तुम लोग ना केवल भारत का समर्थन करते हो, बल्कि तुमने खालिस्तान समर्थक सिखों के भाषण और अभिव्यक्ति के दमन का भी समर्थन किया है। तो अब आप सोच सकते हैं, आप सोच लीजिए कि कितना भयावह हो गया वहाँ पर भारतीय मूल के हिंदुओं का रहना, कितना ज़्यादा असुरक्षित हो गया है। वो निकल सकते हैं क्या बाहर? ये उन भारतीय नागरिकों के लिए भी असुरक्षित हो सकता है जो वहाँ रह रहे हैं या फिर वो जाने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि हमारे देश की भारत सरकार ने उनके लिए एडवाइजरी जारी की थोड़े समय पहले, और एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें सावधान रहने की हिदायत दी है। भारत के एडवाइजरी की अगर बात करूं दोस्तों, तो उसमें साफ सीधे तौर पर यह कहा गया है कि कनाडा में अपराध, भारत विरोधी गतिविधियां और हेट क्राइम जो है उसमें इजाफा हुआ है, यानी बढ़त देखी गई है। इसे देखते हुए सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि ये कनाडा के ऐसे इलाकों में जाने में सावधानी बरतें जहाँ भारत विरोधी घटनाएँ हुई हों या फिर हो रही हो, या नहीं भारत सरकार ने
साफ सीधे तौर पर यह भी कहा है कि हमारी अथॉरिटीज जो है उन लोगों के संपर्क में रहेगी जो कनाडा में इस वक्त हैं। किसी भी समस्या पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है और ज़रूरी मदद मुहैया कराई जाएगी, ये भारत सरकार की तरफ से भारतीय नागरिकों के लिए कहा गया है। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, खालिस्तान से जुड़ा एक और आतंकी मारा गया है। कनाडा में भारत के एक कैटेगरी गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुखा दुन्ने के इसका कत्ल कर दिया गया है। वो पंजाब से साल 2017 में जाली पासपोर्ट तैयार करवा के, जैसा खबरें कहती है, जाली पासपोर्ट तैयार करवा के कनाडा फरार हुआ था। भास्कर में छपी खबर की बात करेंगे तो सुखा दुन्ने के इसको कनाडा के विनिपिंग में गोलियां मारी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुन्नेके पर करीब 15 राउंड फायरिंग हुई है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह 41 आतंकी और गैंगस्टर की सूची में शामिल था, जिस लिस्ट को एनआईए ने भी जारी किया था। लॉरेंस गैंग ने गैंगस्टर सुखा दुन्नेके के कत्ल की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और बड़ा सा पोस्ट लिखा है जिसमें सारी चीज़ें लिखी है। तो पहले हरदीप सिंह निज्जर, उसके बाद अब ये सुखा। कनाडा जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के खिलाफ भारत पर इल्ज़ाम लगा सकता है दोस्तों, तो इस हत्या के बाद वो और क्या क्या कर सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगाइए। अब यहाँ सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा हमारे देश की सरकार की, और हम हमारे देश की सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन आज उस मीडिया को बेशक माफ़ी मांगनी चाहिए जिसने कनाडा को भारत का हितैषी बताते हुए बहुत सारी गाथाएं गाई थी। आज आप देख सकते हैं कि कनाडा किस तरीके से भारत के खिलाफ एक के बाद एक जो है षड्यंत्र रच रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम पूरी तरीके से भारत सरकार के साथ हैं इस पूरे मामले पर। जो भी एक्शन लिया जाए, कठोरतम एक्शन लिया जाए और जवाब जो है वो भरपूर दिया जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।